हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स करवाने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की एसआई यूनिट्स करवाई, जितनी भी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स इस चैप्टर में मैंने सारी करवाई थी, तो प्लीज़ उसको देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। नाउ एसआई यूनिट चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सबसे पहली जो एसआई यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक करंट और करंट, ठीक है, इसको एम्पियर से डिनोट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, ए से इसको डिनोट किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, ए इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर, ठीक है, ये एम्पियर शॉर्ट में मैंने ए लिखा हुआ है। इसके अलावा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी इसका फॉर्मूला होता है, हियर आई इज करंट, क्यू चार्ज एंड टी इज टाइम। इसके बाद में सेकेंड है ई एम एफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे थोड़ा सा स्टाइलिश ई इससे डिनोट किया जाता है। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। एक चीज याद रखिएगा, ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की और पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इसके अलावा जो थर्ड एसआई यूनिट है वो है रेजिस्टेंस, थर्ड वन इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप सबने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, इसे आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ओम इसकी एसआई यूनिट होती है ओएचएम, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था, याद हो किसी को शायद से, ठीक है। इसके बाद में इसके अलावा जो इसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यहाँ पे जो रो है ये रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। चाहे तो आप सिंबल मीनिंग भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको इनके नोट्स बना लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको रेजिस्टिविटी दिखाई, ये रेजिस्टेंस था, इसकी एसआई यूनिट है। इसके बाद में जो ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी को हम आर से मतलब रो से डिनोट करते हैं, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, सॉरी रेजिस्टिविटी रो से इसको डिनोट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। अब इसके अलावा अगर सपोज रेजिस्टेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला आता है तो यहाँ पे दो फॉर्मूलेज हैं, मैंने एक ही लिखा था, सॉरी आर वी इज इक्वल टू आई आर, ये आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहां से प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट काट के आर आता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं वी अपॉन में आई, ठीक है। इसके बाद में जो रेजिस्टिविटी है इसका ओम मीटर होता है, एसआई यूनिट इसकी ओम मीटर है। उसके अलावा ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी वैलिड है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है करंट डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को सबसे पहले तो जे से डिनोट करते हैं, स्मॉल जे, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। आई जो मैं आपको फॉर्मूलेज लिखती हूँ उसमें आप सिंबल मीनिंग भी लिख सकते हैं, आई यहाँ पे करंट है, ए एम्पियर में, ठीक है, आई अपॉन में ए। इसके बाद में इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा इसकी डायमेंशंस भी इंपॉर्टेंट हैं करंट डेंसिटी की, AL-2, ये इसकी डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। तो करंट डेंसिटी में मैंने आपको तीन चीजें बताई, सबसे पहले करंट डेंसिटी जे से डिनोट किया जाता है, इसको आई अपॉन में इसका फॉर्मूला है। इसके बाद में करंट डेंसिटी, ये इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में इसकी डायमेंशंस हैं। अब करंट डेंसिटी के बाद में जो नेक्स्ट जिसकी डायमेंशंस आपको बतानी चाहिए वो है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है और ये 1/r होता है,
और यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस, तो ये कंडक्टेंस है, इसको जी से डिनोट किया जाता है। जो इसकी एसआई यूनिट है उसमें आपको तीन एसआई यूनिट दे रखी है, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहली है ओम, एमएचओ, मो और सीमेन, ये इसकी एसआई यूनिट्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, जैसे कंडक्टेंस होता है वन अपॉन में आर, मतलब कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कुछ ऐसे ही कंडक्टिविटी होता है वन अपॉन में रो, जो कि रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल हो गई। इसके अलावा इसकी जो यूनिट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमें दे रखी है ओम मीटर इनवर्स, इसी तरीके से इसकी भी जो कंडक्टिविटी है इसकी भी एसआई यूनिट्स कुछ इतनी ही है, मतलब तीन टाइप्स में आप इसको लिख सकते हैं, कोई भी तीनों में से ले सकते हैं। सो कंडक्टिविटी वन अपॉन में रो, इसके अलावा इसकी जो यूनिट्स हैं ये इनकी एसआई यूनिट्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए से डिनोट करेंगे और इसकी एसआई यूनिट ए स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। या जैसे हम पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर, इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मत लिखिए, मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एसआई यूनिट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे वीडी से शो करते हैं, वी डी, वीडी का मतलब हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद में जो इसकी एसआई यूनिट है वो है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए करंट, करंट का जो एक्सप्रेशन है करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आप ये चैप्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर में करंट के लिए बहुत सारे फॉर्मुलेस गिवन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। सो करंट का सिंबल होता है आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में ई एन ए वी डी, ये एक्सप्रेशन है करंट का इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मोबिलिटी, नेक्स्ट है मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी तो याद रहेगा क्योंकि मोबाइल दिमाग में चलता है तो उसी से ये वर्ड है, ठीक है। सो मोबिलिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो मोबिलिटी को न्यू से डिनोट करते हैं और वी डी अपॉन में ई, हियर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो मोबिलिटी न्यू से इसको डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो इसकी एसआई यूनिट है वो देखिए एम टू ये मोबिलिटी की एसआई यूनिट है। अब जो दो एसआई यूनिट बची हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक पावर, टेंथ में पावर वर्ड आपने पढ़ा होगा, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, पावर सॉरी पी से डिनोट करते हैं, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है वॉट। इलेक्ट्रिक पावर और पावर दोनों सेम है, ठीक है। तो पावर डब्ल्यू अपॉन में टी से इसको आप, इसका फॉर्मूला है इस तरीके से लिख सकते हैं, पी पावर है, डब्ल्यू वर्क डन और टी टाइम, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक पावर के बाद में आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी फॉर्म होती है एनर्जी की तो उसे हम जूल्स में ही कैलकुलेट करते हैं। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो जूल्स, इसको जे से डिनोट करते हैं, और या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं के डब्ल्यू एच, किलोवाट पर आवर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स थी चैप्टर थर्ड से करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कोई भी आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको डाउट लगता है और आपको टफ लगता है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी और आई विल ट्राई कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में इसको समझाऊँ।